हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू नर्सिंग रिक्रूटमेंट अकेडमी। गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट से और एक वैकेंसी आ चुका है एंड नर्सिंग अफसर की जो है वैकेंसी, यानी वैकेंसी इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च यानी कि IGCR से ये वैकेंसी जो है परमानेंट वैकेंसी आया है। एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होने वाला है, सो ये एक जो है परमानेंट पोस्ट है। बहुत सारे पोस्ट है, मैं आपको सारे डिटेल्स इस वीडियो में बताऊँगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, आगे भी इस तरह का वीडियो हमारे चैनल में आता रहेगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइस, आप 1 जून से लेकर 30 जून तक अप्लाई कर सकते हैं, लगभग एक महीना है आपके पास अप्लाई करने के लिए। एंड जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट यानी कि परमानेंट वैकेंसी है नर्सिंग फील्ड से, ठीक है। एंड मल्टीपल पोस्ट है IGCR में, ठीक है। मेडिकल फील्ड में बहुत सारे पोस्ट है, जिसके आप देख पा रहे हैं मेडिकल ऑफिसर की बहुत सारे पोस्ट है। एंड यहाँ पर आप देख पाएंगे ग्रुप बी की जो है पोस्ट है, नर्स ए की पोजीशन रहेगा। एंड इसका पोस्ट कोड जो है याद रख लीजिए, फादर PDF में जो है यूज होगा, NUR 01, ठीक है, पोस्ट कोड इसका है। एंड टोटल 27 वैकेंसीज है, ठीक है। एंड पे लेवल जो है 7 यानी कि 44,900 रहेगा। सो क्वालिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो फिर बहुत BSc और JNM कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक क्वेश्चन है, एक्सपीरियंस मैंडेटरी है कि नहीं, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए ग्रुप ए की जो वैकेंसी है 27 वैकेंसी से BSc और JNM कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड कोई भी स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस टोटली मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। JNM और BSc कैंडिडेट के लिए एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन अगर आपने नर्सिंग असिस्टेंट का कोर्स किया है आर्म्ड फोर्स में तो फिर 3 साल का जो है एक्सपीरियंस कंपलसरी चाहिए, ठीक है। एंड सैलरी मैं आपको बता चुका हूँ, 44,900 बेसिक पे रहेगा विथ अदर अलाउंसेस जो कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट सॉवरेन को मिलता है। एज लिमिट मिनिमम एज जो है 18 ईयर्स रहेगा एंड मैक्सिमम एज 30 ईयर्स। एज क्राइटेरिया जो है एज रिलैक्सेशन मिलेगा OBC के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, ये जो मैं आपको PDF में बाद में भी दिखाऊंगा जो कि दिया गया है एज रिलैक्सेशन, ठीक है। फार्मासिस्ट की भी वैकेंसी है, लैब टेक्नीशियन की भी वैकेंसी है। सो मेडिकल फील्ड से ऑल पोस्ट का जो है वैकेंसी निकला है, मेडिकल अफसर, नर्सिंग अफसर, फार्मासिस्ट एंड LT, सो सभी का जो है वैकेंसी निकला है IGCR में। अभी मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे रहेगा वो भी देख लीजिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन 3 स्टेजेस में जो है सिलेक्शन किया जाएगा, देख लीजिए। मेथड ऑफ सिलेक्शन फॉर NUR 01 जो कि नर्सिंग का पोस्ट कोड है, ठीक है, 3 स्टेजेस में सिलेक्शन किया जाएगा। फर्स्ट स्टेज है प्रिलिमिनरी स्टेज, सेकेंड स्टेज है एडवांस स्टेज, थर्ड स्टेज है ट्रेड और स्किल टेस्ट। प्रिलिमिनरी टेस्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस जो है आपको पूछा जाएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे वो। एंड पर क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स आपको अवार्ड दिया जाएगा एंड नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा, ऑफकोर्स 1 मार्क जो है डिडक्ट हो जाएगा रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। जनरल कैंडिडेट अगर लेस देन 40% स्कोर करते हैं तो फिर उन्हें स्क्रीन आउट जो है कर दिया जाएगा, यानी कि उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। एंड सेकेंड स्टेज जो है एडवांस टेस्ट, वो भी 50 क्वेश्चंस रहेगा, मल्टीपल चॉइस बेस्ड रहेगा एंड 3 मार्क्स जो है मिलेंगे करेक्ट आंसर के लिए, रॉन्ग आंसर के लिए 1 मार्क जो है डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड जो है प्रिलिमिनरी टेस्ट और एडवांस टेस्ट एक ही दिन में होगा, यानी कि पहला स्टेप में प्रिलिमिनरी, सेकेंड स्टेप में जो है एडवांस टेस्ट होगा, एक ही दिन में होगा। जो कैंडिडेट प्रिलिमिनरी टेस्ट क्वालिफाई करेंगे सिर्फ उन्हीं का Paper 2 यानी कि एडवांस जो है टेस्ट उनका इवैल्यूएशन किया जाएगा एंड बाकी का नहीं किया जाएगा, ठीक है। सो हर कैंडिडेट जो है ये दोनों टेस्ट दे सकते हैं, प्रिलिमिनरी और एडवांस, एक ही दिन में क्योंकि होगा, ठीक है। एंड जो कैंडिडेट एडवांस टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उनका जो है टेस्ट यानी कि स्किल टेस्ट किया जाएगा। एंड स्किल टेस्ट देख लीजिए, स्किल टेस्ट बेस्ड रहेगा गो एंड नो गो, यानी कि आप आगे जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं, क्योंकि देखिए 27 पोस्ट है और सिलेक्शन किया जाएगा सेकेंड स्टेज में 4 या 5 टाइम्स, यानी कि 100 से जो है ज़्यादा कैंडिडेट को सिलेक्शन किया जाएगा यहाँ पर स्किल टेस्ट में गो और नो गो,
यानी कि आप आगे जा रहे हैं या फिर नहीं जा रहे हैं, इस बेसिस में जो है आपका सिलेक्शन किया जाएगा। एंड फाइनली जो कैंडिडेट स्किल टेस्ट में पास आउट होंगे उनका मार्क्स जो है एडवांस टेस्ट के बेसिस में एक फाइनल मेरिट लिस्ट किया जाएगा, ठीक है। सो इस तरह का जो है सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। एंड एप्लीकेशन फ़ी देख लीजिए, मात्र जो है 200 रुपये है, सभी कैंडिडेट इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर्स देख लीजिए, टोटल 25 सेंटर्स रहेगा ऑल इंडिया में, एंड लगभग हर स्टेट में जो है एक या फिर दो सेंटर्स के गए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 25 सेंटर्स है, ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ, भुवनेश्वर है उड़ीसा के। अगर आप राजस्थान से हैं तो फिर कोटा, जयपुर, मल्टीपल जो है एग्ज़ाम सेंटर्स बनाए गए हैं। एंड कैसे अप्लाई करेंगे? ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा, लिंक यहाँ पर दिया गया है, मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक अप्लाई का, ठीक है। आपके पास टाइम है, लगभग 1 महीना है अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट तक इंतज़ार मत कीजिएगा, ठीक है। अभी जो है अप्लाई शुरू कर दीजिए। एंड फ़ोटो सिग्नेचर का रिजोल्यूशन देख लीजिए, 20 से 50 KB का जो है फ़ोटो होना चाहिए, सिग्नेचर 10 से 20 KB का होना चाहिए। एंड ये PDF थोरली रीड करने के बाद या फिर सारे क्रेडिटेस जानने के बाद ही अप्लाई कीजिए, आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नई वैकेंसी के साथ, स्टडी एफ सेंट्रल गवर्नमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।